नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बेदी सत्संग श्री राम मंदिर के सदस्यों ने बुधवार को मंदिर में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया एवं उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। जो लोहार लाइन में स्थित है और विगत लॉकडाउन में इस मंदिर को कब्जा कर लिया गया, तब से लॉकडाउन में ये मंदिर बंद है। इस मामला को लेकर हम लोग जितने भी यहाँ के प्रशासनिक लोग हैं सबसे हम लोग ने मदद का गुहार लगाया, लेकिन किसी प्रकार का मदद नहीं मिला। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किए। हाईकोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति इसका स्थिति है, जो मंदिर को अंदर से कब्जा किया है, हाईकोर्ट में केस चलने के बावजूद वो लोग मंदिर के अंदर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, वो मंदिर के अंदर का मूल संरचना जो है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के अंदर का जो बेदी था और जो हम लोग का पालकी था वो सबको हटा दिया जा रहा है, और उसके बाद मंदिर को पूरा बाहर से पर्दे से पूरा ढक दिया जा रहा है। हम लोग गोलमुरी थाना को भी जाकर के परसों बोले कि इस तरह का कार्य हो रहा है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो लोग उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग को इस जगह में मत आइए, अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग को हम लोग थाना में हम लोग जेल में भेज देंगे। कौन लोग हैं वो? श्याम सिंह चिकना करके है व्यक्ति, जिसका पूरा आपराधिक इतिहास रहा है जीवन भर, ठीक है, गाड़ी चोरी, रंगदारी और ये सब के मामले में वो कई बार जेल जा चुका है, और अब वो वर्तमान में उस मंदिर को कब्जा किया हुआ है। और हम लोग का भी यही मांग है कि प्रशासन इस समय जो कि हाईकोर्ट बंद है, तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि उस मंदिर को जा करके प्रशासन खोलवा करके देखे कि वर्तमान स्थिति उसका क्या है। अगर उसको मंदिर का मूल संरचना बदला जा रहा है तो उसको भी वहाँ से निकाला जाए, और जो अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसको रोका जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज प्रकाश है, मैं मंदिर कमेटी का सचिव हूँ। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।